नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है सीवीटी पाठशाला में और मैं मानस मिश्रा आप सभी के सामने हाजिर हूँ ये बताने के लिए कि जो बीएचयू ने पीएचडी बुलेटिन थी वो जारी कर दी है। और अभी इसके पहले कल मैंने देख चेक किया था तो वहां पर आपको जो बुलेटिन थी हम तक उपलब्ध हो चुकी थी, लेकिन उसमें बहुत सारी बदलाव थे। लेकिन आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि बीएचयू ने किस प्रकार से क्राइटेरिया आप सभी के सामने लाए हैं और क्या नोटिफिकेशन में लिखा है, उन सभी की जानकारी आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। आप जब भी bhu.bhuonline.in विजिट करेंगे साइट पे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बीएचयू पीएचडी। ये देखिए, आपको मैं बता दूं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा बीएचयू पीएचडी का ये नोटिफिकेशन आया हुआ यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ही एक पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक, जहां पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे, ठीक। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा था नोटिफिकेशन। ये देखिए यहाँ पर बीएचयू ने जारी किया है कि दो तरीके से आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। एक होगा सीवीटी पीएचडी का, पहले होता था एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर ये कराने वाला है कि जो रेट है, जिसको ये रेट नाम दे रहे हैं, वास्तव में वो नेट का स्कोर है, ठीक है। कोई भी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने वाला है। और अगली बात यह है कि जो जेआरएफ कैंडिडेट्स हैं वो ही बस यहाँ पर बीएचयू में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। पहला ही पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद, पहला पॉइंट आप देखेंगे कि द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन अंडर द रेट एग्जेम्प्टेड मोड। ये रेट एग्जेम्प्टेड मोड जिसे आप देख रहे हैं, वास्तव में ये जेआरएफ कैंडिडेट्स के लिए है। एग्जेम्प्टेड मीन्स आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और इसका तरीका क्या है, इसमें आपको इंटरव्यू जो है इंटरव्यू मार्क्स 100 नंबर का होने वाला है। कितने नंबर का? 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। लेकिन जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिर्फ नेट है, तो वो भूल ही जाएं कि आप एग्जाम्प्टेड में एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, लेकिन आप इसको समझिए एक एक चीज करके। दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर कैटेगरी सेकेंड एंड थर्ड ऑफ यूजीसीएसआर नेट एग्जाम, ठीक है, नेट एग्जाम की जो जून में कंडक्ट कराया गया था, हालांकि वो पेपर लीक हुआ फिर इसके बाद भी करवाया गया, शैल बी एलिजिबल फॉर कंसीडरेशन अंडर द नेट मोड। रेट मोड जो इसको नाम दे रहे हैं, ये रेट आखिरकार नेट का ही स्कोर है। और ये नेट का स्कोर आपका कंसीडर कैसे किया जाएगा, 70%, अर्थात जितने भी आपके नंबर आए होंगे वो 70 में काउंट होंगे, प्लस 30 जो मार्क्स का होगा ये आपका इंटरव्यू होगा, अर्थात टोटल आपका जो होगा 100 में होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में दो ही यहाँ पे पॉइंट उन्होंने बताए हैं, पहला कि आप जो रेट एग्जेम्प्टेड मोड है उसमें जेआरएफ कैंडिडेट आ सकते हैं या वही आएंगे, और दूसरा जो नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, दूसरा पॉइंट जारी किया, उसमें कहा कि जो नेट है या सीएसआईआर नेट है या यूजीसी नेट है कैंडिडेट्स, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी नेट की परीक्षा दी है वो ही कैंडिडेट या उनका जो स्कोर होगा उसका 70% प्लस 30% ये करेंगे। आगे की जानकारी कितनी सीट्स हैं और भी क्या क्या जानकारी है वो मैं नीचे टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और वहां पर आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो मैंने पहले डाउनलोड करके रखा था वहां पर डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कतें ये हैं कि जो कुछ ऐसे विषय हैं जैसे हिंदी और हिस्ट्री या ज्योग्राफी में ये समस्या नहीं है, लेकिन जो प्रयोजन मूलक हिंदी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, जनसंचार है, मीडिया है, ऐसे विषयों में, फ्रेंच है, फॉरेन लैंग्वेजेस है, ऐसे विषयों में बहुत कम ही जीआरएफ होते हैं या नाम मात्र के 1 या 2 या 5 या 10 या 12 जीआरएफ ही हो पाते हैं। तो क्या ऐसे विषयों में जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं? एक बड़ा प्रश्न ये सामने जो मेरे सामने आया है उसका उसका मैं जिक्र करने मतलब कर देता हूँ कि ऐसे कैंडिडेट क्या यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं? अब क्या बदलाव हो सकते हैं आगे इस पूरी प्रक्रिया में, वो मैं जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं बताऊंगा आप सभी के सामने। लेकिन तब तक के लिए यदि आप सीट जानना चाहते हैं, यदि आपको मालूम करना है कितनी सीट किस विषय में आई हुई है, तो आप कमेंट कर दीजिए और आप टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं, उसकी जानकारी क्या है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया क्या है, एग्जेम्प्टेड मोड में कितनी सीट्स आई हैं और खास तौर से रेट मोड में कितनी सीट्स आई हैं। मैंने जो पूरा देखा है खाका, उसमें रेट मोड में अर्थात नेट के स्कोर बेस पर बहुत कम सीटें हैं। जैसे कि मैं हिंदी की बता दूं तो हिंदी में कुल 26 सीटें एग्जेम्प्टेड में अर्थात जेआरएफ वाले बच्चों को आई हुई है, और जो 10 सीटें हैं वो रेट अर्थात नेट के स्कोर बेस पर जो कैंडिडेट्स हैं उन पर आई हुई है। तो ये एक बहुत ही सोची समझी कुछ रणनीति हो सकती है कि बीएचयू नहीं देना चाहता है और नेट वालों को मौका, सिर्फ जेआरएफ कैंडिडेट्स चाहता है, क्योंकि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में बीएचयू का नाम है और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। बहरहाल
आप सभी के सामने ये पूरा नोटिफिकेशन है, और अधिक जानकारी के लिए आप bhu.ac.in पर आप जा सकते हैं, या फिर आप bhu.online.in पर जा सकते हैं, और वीडियोस देखने के लिए आप सीयूटी पाठशाला bhu पाठशाला पर आकर वीडियो देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आप ऐप के माध्यम से भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जो अभी तक की जानकारी थी वो मैंने आप सभी के सामने रखी, उम्मीद करते हैं आप सभी जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।